शरीफ का भी इस वक्त क्या माहौल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ दुकानें भी बंद हैं और काफ़ी रोड पर जो है यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा है। और हम जा रहे हैं नले बाजार से दरगाह शरीफ की तरफ, और दरगाह शरीफ के बीच का जो मार्केट है मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह यहाँ पर पूरे में सन्नाटा है। जगह जगह पर आपको दुकानें बंद भी दिखेंगी। तो कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि अजमेर शरीफ मार्केट, अजमेर शरीफ का माहौल कैसा है, अजमेर शरीफ मार्केट कैसा है। तो आप देख ले कि किस तरह अभी अजमेर शरीफ मार्केट का माहौल है और ये क्यों है और कब तक रहेगा, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं दरगाह की तरफ और दरगाह की तरफ का माहौल भी मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह में किस तरह का माहौल है, क्योंकि झूठी जो अफवाहों की वीडियो है वो काफ़ी लोगों ने झूठ बनाकर उसको वायरल कर रखी है और अजमेर शरीफ का कुछ इस तरह बता रखा है कि कोई अजमेर शरीफ में काफ़ी माहौल ख़राब है, मगर ऐसा कुछ नहीं कि अजमेर शरीफ में माहौल ख़राब है। मैं भी आपको सब बताऊंगा यहाँ पर कि ये मार्केट क्यों बंद है, इतनी दुकानें क्यों बंद नज़र आ रही हैं और क्या कारण है कि अजमेर शरीफ की इतनी जो मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ जायरीन वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन दुकानें बंद आ रही हैं। तो अभी हम चलेंगे पहले एक नंबर गेट की तरफ दरगाह शरीफ के, और फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ का पूरा बताने वाला हूँ कि क्यों इस मार्केट में इतनी अभी चहल पहल कम है और क्यों ये इतनी दुकानें यहाँ पर अभी बंद दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं सामने, हमें अजमेर शरीफ दरगाह का एक नंबर गेट जो है वह नज़र आ रहा है और अभी हम चलेंगे एक नंबर गेट के सामने और वहाँ का माहौल भी देखेंगे कि किस तरह का माहौल है दरगाह के गेट के सामने, जो एक नंबर गेट है उसके वहाँ पर किस तरह का माहौल है। और कोई सी भी अगर ऐसी वीडियो आती है, फेक वीडियो आती है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों उस पर को सच ना माने, जो सच है वही देखें। तो अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ यहाँ के बारे में, क्या क्या हकीकत है, क्या है, क्यों मार्केट बंद है और क्या माहौल रहता है। और वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड करी है अभी जो यहाँ पर जुलूस वगैरह निकलते हैं एकता के ऊपर, क्योंकि अजमेर शरीफ एक ऐसा शहर है जिसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं, सरकार गरीब नवाज की सरपरस्ती में, और सारे जुलूस वगैरह यहीं से अजमेर शरीफ दरगाह के आगे से निकलते हैं और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी इन जुलूसों को सम्मान देते हैं। तो बताने का ये कारण है कि जो अजमेर शरीफ में आप तकरीबन मार्केट बंद देख रहे हैं, ये मार्केट रमज़ान महीना और रमज़ान महीने में यहाँ पर जो है पर्यटकों की, ज़ायरीनों की जो आवाजाही है वो कम होती है, क्योंकि रमज़ान महीने में सभी अपने अपने घरों में रोज़ा रख के और रमज़ान का जो रोज़ नमाज का दिन है वो अपने घरों पर बिताते हैं, इसलिए अजमेर शरीफ में कोई आता नहीं। और अजमेर शरीफ में ज़्यादातर जो है टूरिस्ट धंधा यानी कि मेहमानों से ही धंधा है, इसलिए ये मार्केट भी आपको जो खाने की मार्केट है यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, मगर अभी रमज़ान महीने के चलते हुए ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो कुछ नहीं, अजमेर शरीफ में सब कुछ बढ़िया है और सब अच्छा है जैसा आपके शहर में है, बस यही है कि अजमेर शरीफ में मार्केट बंद रहने का कारण जो है रमज़ान महीने में लोग इबादत में लगे हुए हैं, टूरिस्ट अभी कम आ रहा है, इसके चलते हुए यहाँ पर अभी यहाँ पर दुकानें वगैरह इतनी खुल नहीं रही हैं। तो आपको ये अजमेर शरीफ से वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह की मैं अजमेर और मार्केट से और मजार से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर रहता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।